1976 से लटकी लखबार परियोजना की शुरुआत कर मोदी सरकार ने गुड गवर्नेंस की एक बड़ी मिसाल पेश की है। वहीं पूर्व की सरकारों की असंवेदनशीलता भी दर्शाती है कि जिन राज्यों में पानी की समस्या से हर दिन लोगों को जूझना पड़ता है, वहां सरकारें तो वोट मांगती रही लेकिन आज तक पीने का पानी भी नहीं पहुंचा सकी। लेकिन मोदी सरकार में शुरू किए जा रहे लखबाड़ परियोजना के पूरे होने के बाद दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल और राजस्थान में पीने की पानी की समस्या से लोगों को मुक्ति मिल जाएगी। 1976 में लखबाड़ परियोजना को मंजूरी मिली थी लेकिन तब से परियोजना कागजों तक ही सीमित रही। परियोजना के निर्माण में बाधा बन रही राज्यों के मतभेद को खत्म करने के लिए पुरानी सरकारों ने कोई प्रयास नहीं किया। मोदी सरकार में इस परियोजना को पूरा करने के लिए पहल शुरू हुई। केंद्र सरकार सभी राज्यों के साथ बातचीत की, राज्यों के बीच के आपसी विवाद को बातचीत के जरिए खत्म किया और अब इस परियोजना पर लगभग 30 साल बाद काम शुरू होने जा रहा है। इस परियोजना के पूरे होने के बाद यमुना की भंडारण क्षमता में 65% वृद्धि होने का अनुमान है। उत्तराखंड जब बिजली तैयार करेगा उस समय उसका पानी यमुना में आएगा। इससे 2025 तक दिल्ली में पानी की समस्या नहीं रहेगी। राजस्थान और हरियाणा के जो शहर यमुना नदी के किनारे हैं, वहां भी पानी की समस्या को दूर करने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश में मथुरा, आगरा जैसे शहरों में पानी की समस्या को दूर करने में मदद मिलेगी। इस परियोजना के निर्माण में कुल लगभग 4,000 करोड़ रुपए की लागत लगने वाला है, जिसमें बिजली उत्पादन पर होने वाले 1388.28 करोड़ का खर्च उत्तराखंड सरकार वहन करेगी। परियोजना पूरी होने के बाद तैयार बिजली का पूरा फायदा भी उत्तराखंड को ही मिलेगा। परियोजना से जुड़े सिंचाई और पीने के पानी की व्यवस्था वाले हिस्से के कुल 2573 करोड़ के खर्च का 90% केंद्र सरकार वहन करेगी, जबकि बाकी 10% का खर्च 6 राज्यों के बीच बांटा गया है।